गुड आफ्टरनून, कैसे हैं सब। आज का ये वीडियो कोई ब्लॉग नहीं है। आज मैं अपना किचन टूर करवाना चाहती हूँ। मेरा किचन बहुत ही छोटा है, लगभग 8x8 का होगा, बिल्कुल रेक्टेंगल शेप में है और इसमें एक भी रैक नहीं है और ना ही क्या बोलते हैं कोई भी पार्टीशन नहीं है, कोई रैक नहीं है, नॉन मॉड्यूलर है और छोटा तो है ही। तो एक छोटे किचन को ऑर्गेनाइज करना, ढंग से रखना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत करता होगा। आपका किचन अगर बड़ा है तो आप कुछ भी सामान कैसे भी रख सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी छोटा है तो उसमें उसको अरेंज करना एक दिक्कत होता है और आप जैसे तैसे रख नहीं सकते हैं। और अगर और आप छोड़ नहीं सकते हैं तत्काल, अगर वो कुछ आपको दिखता है कि कमी है तो उसी वक्त में आप उसे सही करना होता है। जो मुझको डिस्टर्ब कर रहा है, मुझे मार खाओगे मुझको। तो आज मैं आपको अपना ये किचन टूर कराऊंगी, कैसे मैंने रखा और कैसे मैं काम चलाती हूँ इस छोटे से किचन में। तो उम्मीद है अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही अपना सजेशन ज़रूर दीजिएगा ताकि मैं अपने किचन को और भी ऑर्गेनाइज्ड और सही ढंग से रख सकूँ। तो चलते हैं किचन। हमारा किचन हमारे हॉल से ही अटैच है। किचन पे दरवाजे पे मैंने दोनों साइड गेंदे की दो लड़ी टांग रखी है और सेंटर में मैंने एक शोपीस टांगा है। हम साथ साथ हैं, हालांकि आजकल हम लोग साथ साथ नहीं हैं, चारों लोग चार जगह पे हैं। खैर, पढ़ना लिखना है तो जाना ही होता है। चलते हैं किचन की तरफ। तो किचन खुलते ही सबसे पहले आपको फ्रिज दिखेगा। मैंने फ्रंट में ही फ्रिज रखा है क्योंकि इसके अलावा कोई ऐसा जगह नहीं था जिसमें जहां मैं किचन फ्रिज को रख सकती। बाहर मैं रख नहीं सकती थी क्योंकि हॉल छोटा है। कि इस फ्रिज के ऊपर ही मैंने एक ट्रे में कॉफ़ी मेकर और कॉफ़ी और थोड़े छोटे मोटे सामान के साथ मैंने रख दिया है। साथ ही मेरा एलोवेरा जूस और आंवला जूस और जॉली तुलसी अर्क भी मैंने इसी पर रख दिया है क्योंकि मुझे रोज़ सुबह में पीना होता है तो मुझे याद आ जाता है, फ्रंट में मुझे दिख जाता है, तो अगर ना दिखे तो मैं पीना भी भूल जाती हूँ, इसीलिए मैंने इसे फ्रिज के टॉप पे रख दिया है। और दरवाज़ा के पीछे मैंने एक देखिए एक ये हैंगर टांग रखा है इस जिस पे मैं अपना एप्रन टांगी हूँ और एक थैला के अंदर में छोटे छोटे थैले हैं जो कुछ कुछ लाने या कूड़ा वगैरह फेंकने के काम में आ जाते हैं। फ्रिज को मैंने जो कवर कर रखा है उसमें तीन तीन पॉकेट है दोनों साइड से, जिसमें मैंने अपने किचन संबंधी सामग्री या अपने आवश्यकता की चीज़ रखी है, जैसे मेरा रेसिपी बुक हो गया, ये हिना पाउडर है, जो भी चीज़ ऐसा लगता है मुझे कि जल्दी मिलना हो तो मैं इसी में डाल देती हूँ। ये थैला है, मैं अक्सर इसी में थैला रखती हूँ ताकि जब भी सब्जी लाना हो तो फटाफट मुझे मिल जाए। इस साइड में मैंने रखा है ये नाश्ता पैक करने का पैकेट है और ये है मेरा छोटा सा तंदूर, गैस तंदूर है, इस पर मैं जनरली बैंगन वगैरह टमाटर बैंगन पका लेती हूँ, ये मैं मेला से ली थी। रैक पे मैंने इसी फ्रिज के पैरेलल में ही रखा है एक फोर लेयर्ड रैक, जो इस पर मैं सबसे टॉप पे रखी हूँ एक पीतल का पतीली जो मैं पूर्णिमा या पूजा के दिन निकालती हूँ खीर बनाने के लिए। ये है मेरा चॉपर, वो मैं ऊपर रखती हूँ, मेरे हाथ के पहुँच के पास है, लेकिन जो मेरा मिक्सर है, हैंड मिक्सर और एग बॉयलर, ये सब मैं बैक साइड में रखी हूँ ताकि मुझे फ्रिक्वेंटली उसकी यूज़ होती नहीं है। और इस रैक पे मैंने रखा है बिस्किट और नमकीन मैगी वगैरह जो, और यहाँ पे मैंने चीनी और चपत्ती रखा है और दो डब्बे में मैं नमकीन रखी हूँ। पहले मैं इसमें कुकीज़ रखा करती थी क्योंकि बच्चे हैं नहीं तो अब मैं कुकीज़ लाती ही नहीं हूँ। और इन दोनों पॉट में मैं अचार रखती हूँ, अचार मैं बहुत खाती हूँ। सबसे नीचे मैंने अपना गैजेट्स रखा है, ये राइस कुकर फ्रंट में रखा है आगे साइड में ताकि इजीली निकल जाए, उसके बाद मिक्सी और लास्ट में मैंने सैंडविच मेकर वगैरह रखा है। मुझे आजकल बच्चे नहीं है तो उसकी आवश्यकता बहुत कम पड़ती है, तो ये सब सामान मैंने इसमें इस प्रकार से कुछ अरेंज किया है। जस्ट इसके बगल में मैंने एक छोटा सा डबल लेयर्ड रैक लिया है जिस पे मैं मसालाज रखती हूँ, तो उस पे नमक मसाला हनी जो भी छोटा छोटा चीज़ है मैं यहाँ रखती हूँ। बिल्कुल ही खाना बनाते समय मैं आराम से उठा सकती हूँ क्योंकि रैक इतना छोटा है कि अलग रख ही नहीं सकती। ये है मेरा स्टोव। मैंने स्टोव को खिड़की के सामने ही रखा है
कोई भी आता जाता है तो मुझे दिख जाता है। और हाफ खिड़की तो मैंने खोला ही नहीं है क्योंकि जगह बहुत बर्बाद हो रहा था। मैंने एक इस बास्केट में ही तेल और रिफाइन वगैरह रखा है और बचा हुआ तेल भी मैं इसी में बाउल में करके रख देती हूँ। और दूसरी साइड मैंने एक रैक के ऊपर अपना चाकू छुरी एक स्टैंड में रखा है और सेम वैसा ही स्टैंड है जिसमें कि मैंने अपना पलटा वगैरह रखा है, वुडन पलटा मैंने ऊपर की ओर रखा है। और एक स्टैंड में मैंने फॉर्क स्पून वगैरह बड़े छोटे सब रखे हैं। और ये मसालादानी जिसको मैं इसके नीचे डाल के रखती हूँ। यहाँ तो मैंने ये कुछ पूजा पे चढ़ाया था रोज़ का पेटल्स, उसे ड्राई करके रख रही हूँ पैक बनाने के लिए। तो मैं मसालेदानी को इसके नीचे रख देती हूँ, इसे वो ढका रहता है। और यहाँ पे मैं एक फोर लेयर्ड रैक ली हूँ जिस पे मैं कप प्लेट्स वगैरह रखती हूँ। डिफरेंट डिफरेंट कप में चाय पीना मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं समय समय पे कप खरीदती रहती हूँ। तो यहाँ पे सबसे टॉप पे मैंने रखा है दो मग, एक पिंक कलर का बेटी का, ब्लू कलर का बेटा के लिए। और पीछे मैंने दो रखा है मग्गा है बिग साइज़ का जिसमें हम पति पत्नी नींबू पानी पीते हैं। और सेंटर में मैंने ये प्लेट्स वगैरह रखा है, छोटा छोटा बाउल है जो चटनी और सॉस के लिए। और यही सब प्लेट वगैरह मैंने इसमें रखा है, सर्विंग प्लेट सब। इसके नीचे पे मैंने ये कप सजा के रखा है, आजकल मैं इसी कप में ज़्यादा ले रही हूँ। और सबसे नीचे भी कप ही रखा है, पीछे साइड में जो कम यूज़ करती हूँ और आगे साइड में नया। और कम नया का बात नहीं है, कब जो ज़्यादा यूज़ करती हूँ आगे रख लेती हूँ, अब ये समय समय पे बदलती रहती हूँ। और स्टैंड और वॉल के बीच में कुछ स्पेस बच गया था जहाँ मैंने सारे ट्रे और चॉपिंग बोर्ड को लगा दिया है। छोटा छोटा ट्रे तो मैंने इस रैक पे ही रख दिया है प्लेट्स के साथ ही। यहीं पे पास में एक बोर्ड बना हुआ है तो मैं अपना केटल को यहीं पर रख ली हूँ। मुझे सालों भर गर्म पानी पीना होता है तो मैं अपना केटल बाहर निकाल के रख लेती हूँ। और यही बास्केट में मैंने बॉटल रखा है जिसमें पानी भर के मैं रख दिया करती हूँ। और ऊपर में मैंने एक हैंगर टांग रखा है, ग्रिल करवा रखा है जिस पे मैं भारी भारी बर्तन जो भी चाय बनाने का या कुकर का ढक्कन वगैरह रख देती हूँ। और बेसिन के लास्ट कॉर्नर पर मैंने एक मिठाई का बास्केट जो आता है सोन पापड़ी का डब्बा, उसी में मैंने अपना हैंड वॉश और लिक्विड सोप वगैरह रखा है। ये छोटा सा मेरा वाइपर रैक वाइप करने के लिए। और दूसरी साइड मैंने एक वॉल माउंटेन बर्तन स्टैंड लगा रखा है जिसमें सबसे टॉप पे मैंने इस बास्केट के अंदर उन कप्स को और ग्लासेस को रखी हूँ जिसे मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ या किसी गेस्ट आने पे। और ये है मेरे तीन बाउल जो मैं खास खास समय पे निकालती हूँ और जनरली ये सब बाउल मैं अक्सर यूज़ करती हूँ। और यहाँ प्लेट्स वगैरह है। और ये कोशिश करती हूँ कि बड़े से बाउल के नीचे छोटा, छोटे के नीचे छोटा, ऐसे अरेंज करके रखूँ ज़्यादा से ज़्यादा सामान एक जगह पे लग जाए और जगह भी कम ले ताकि ज़्यादा सामान मैं रख सकूँ। इस पे मैंने एक टॉवल टांग रखा है जिसे मैं बर्तन साफ़ करने या पोछने के काम में आता है। तो बर्तन स्टैंड के नीचे मैंने लगा रखा है थ्री लेयर्ड एक रैक जिसमें पूरे मोटे अनाज को रखती हूँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ दाल, छोला, राजमा, चना, जो भी है इस साइड में ही रखती हूँ। चलते हैं नीचे की ओर। नीचे भी पार्टीशन वगैरह नहीं होने के कारण मैंने एक ड्रम के अंदर में सारा ज़्यादा ज़्यादा सामान करके रखती हूँ, जैसे ज़्यादा तेल, रिफाइन जो भी हो उसमें डाल देती हूँ। इस बड़े से टब के अंदर में कुकिंग यूटेंसिल्स रखा है मैंने, कुकर, कढ़ाई, ये सब। और इस सेम वैसा ही एक और टब है बड़ा सा ही जिसमें मैं अपना कैसरोल वगैरह और बाउल वगैरह रखी हूँ और सर्विंग बाउल वगैरह रखी हूँ। और ये है एक रैक, दो है, एक में मैं कांच का रखती हूँ ग्लास और दूसरे में स्टील का ताकि पानी टपक जाए तभी मैं बर्तन को सजाती हूँ। अब ये है मेरा आटा रखने का ड्रम, नीचे में चावल, ऊपर में अरवा चावल। और आटा के ड्रम के ऊपर एक छोटा सा टिफिन है जिसमें मैं परथन रखती हूँ। और इसके जस्ट बगल में मैंने ये चार टीयर का, फोर टीयर स्टैंड है जो कि मैंने मॉड्यूलर बनाने की चेष्टा की है। तो मैं इसमें भी पार्टीशन की हूँ सोन पापड़ी के डब्बे से और चूड़ी के डब्बे से। ये कुछ चॉपस्टिक्स वगैरह हैं, स्मूदी खाने का बड़े वाले स्पून्स वगैरह हैं और सर्विंग स्पून्स वगैरह मैंने इसे सेपरेट सेपरेट करके रखा है।
इसमें मैंने रखा है ये शॉपिंग बैग वगैरह है, मेरा एप्रन, एक्स्ट्रा एप्रन जो साफ़ सुथरा करके रख देती हूँ, और कुछ टॉवल्स हैं, किचन टॉवल्स, और सब्जी रखने का जो बैग आता है ना वो भी मैं इसी में रखी हूँ। और इस लेयर में मैंने जो मसाले मैं यूज़ करती हूँ अपने मसालेदानी वगैरह में डाल देती हूँ, बचे हुए मसालों को मैं इसमें स्टेपल करके रख देती हूँ। तो इसमें मुझे ध्यान रहता है कि कौन सा मसाला भी बचा हुआ है। फिर से एक बार देखिए मेरा कप्स, ये बहुत पुराना कप है लेकिन मेरा प्यारा था इसलिए मैं हटा नहीं रही हूँ। और बगल में मैंने दो ड्रम छोटे छोटे प्लास्टिक के लिए हैं, जिसमें मैं कुछ कुछ नमकीन मिक्सर जो भी एक्स्ट्रा सामान बच जाता है मैं डाल देती हूँ, ये मुझे सामने में दिखता रहता है, और ऊपर में जब खाली हो जाता है तो मैं इसमें से निकाल के उसको फिर से फिलअप कर देती हूँ। और मैं आलू और प्याज एक साइड में रखी हूँ, उसके ऊपर छोटे से बास्केट में मैं लहसुन रखी हूँ। तो ये है हमारा छोटा सा किचन। किचन का साइज़ अगर आप, मैंने मेज़र तो किया नहीं है लेकिन 8 फीट बाई 8 फीट, इससे ज़्यादा तो कतई नहीं होगा, बिल्कुल ही स्क्वायर शेप में है, लंबाई और चौड़ाई बराबर बराबर से है। बहुत तकलीफ़ तो होती है लेकिन अगर डेली आप साफ़ करते रहें तो साफ़ ही लगता है। और किचन से जैसे आप बाहर निकलेंगे तो मैंने एक सेलो का यहाँ पे भी रैक रखा है, यहाँ पे मैं जो भी बर्तन रखती हूँ गेस्टों के लिए रखती हूँ। हालांकि बच्चे बहुत नाराज़ होते हैं कि गेस्ट के लिए रखती हैं, हम लोग को नहीं देती हैं उसमें, तो फूटने के डर से मैंने इसे बाहर रखा है और अंदर नहीं रख दिया है। तो ये था हमारा छोटा सा किचन। हमारा ये छोटा किचन आपको कैसा लगा? हमारा रख रखाव और ऑर्गेनाइजेशन का तरीका कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और अपने अच्छे अच्छे सुझाव प्लीज़ मुझे दीजिएगा ताकि मैं अपने किचन को और भी ऑर्गेनाइज्ड और भी सिस्टमेटिक ढंग से रख सकूँ। तो इसी के साथ मैं आज का अपना ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा, तो अपने लाइक और सब्सक्राइब देंगे, और कुछ कमी लगी होगी तो अपने सुझाव देंगे। थैंक यू।